नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। देश जहां एक ओर कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग एक दूसरे की झूठी अफवाह फैलाकर मान सम्मान को ठेस पहुंचाने में लगे हैं। ठीक ऐसा ही हापुड़ जिले के ताराचंद मोदी हॉस्पिटल के वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक एवं हृदय रोग विशेषज्ञ एक डॉक्टर साहब के साथ घटना घटी। डॉक्टर डी के कंसल से मिलने एक मरीज पहुंचा, जिसे तत्काल ही देखने के बाद हायर सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन सीएमओ रेखा शर्मा ने ताराचंद मोदी हॉस्पिटल को दो दिन के लिए बंद करा दिया। उसके बाद बहुत तेजी से हवा उड़ने लगी। पी ताराचंद हॉस्पिटल के डॉक्टर डी के कंसल कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब डॉक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कोरोना संक्रमित होने से इनकार किया, लेकिन डॉक्टर साहब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपनी झूठी अफवाह के चलते बहुत परेशान हैं। डॉक्टर साहब, आपको कोरोना को लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं उसके बारे में क्या सच्चाई है पूरी? ये मेरे बारे में और अस्पताल के बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं वो बिल्कुल झूठी है। जो मेरे पास शनिवार को एक मरीज आए थे, गौरी शंकर शर्मा, उनको मैंने तुरंत देखने के बाद विद इन 5 मिनट्स हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था, और उसके बाद अपनी सीएमओ साहब जो डॉक्टर रेखा शर्मा है उनको इन्फॉर्म किया, सैनिटाइजेशन करा के क्लिनिक बंद कर दी थी, और तभी से क्लिनिक भी और हॉस्पिटल भी अपना ताराचंद हॉस्पिटल तब से बंद है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। इमरजेंसी भी हम लोगों ने 3 दिन में कोई नहीं देखी। और ये जो मेरे बारे में फेक न्यूज़ उड़ाई जा रही है कि डॉक्टर साहब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो बिल्कुल गलत है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये किसी व्हाट्सएप वाले ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, वो फिर बार बार सर्कुलेट हो रहा है, उससे मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। तो उस पर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई? इस पर कोई कानूनी कार्रवाई मैंने अपनी तरफ से कोई नहीं इनिशिएटिव लिया है, लेकिन अपने ASP जो सर्वेश मिश्रा जी हैं उन्होंने ज़रूर अखबार वालों को ये सूचना दी है कि भाई अगर कोई इस तरह का इसकी कार्रवाई की जाएगी और जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। ये मोदी अस्पताल सील हुआ या नहीं हुआ? मोदी अस्पताल और संकल्प पॉलीक्लिनिक कोई भी सील नहीं हुआ। ये सीएमओ साहब के ऑर्डर की वजह से हमने 2 दिन के लिए, उन्होंने कहा था हम 3 दिन तक इसको बंद रखेंगे। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस